हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक मेनली समझेंगे। पहला होगा थर्मल एक्सपेंशन, दूसरा होगा एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। थर्मल एक्सपेंशन विच वी ऑल नो कि अगर मैं किसी भी बॉडी को गर्म करूंगा, इफ़ आई एम गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी, वो एक्सपैंड होगा। अगर लीनियर बॉडी है तो उसका लेंथ इंक्रीज होगा, अगर फ्लैट बॉडी है तो उसका एरिया इंक्रीज होगा, और अगर इट्स अ बॉडी विथ हैविंग अ फाइनाइट वॉल्यूम, जैसे कि आपका कोई बॉल ले लीजिए, इफ आई हीट दैट उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो विच वी ऑल नो कि इन द थर्मल एक्सपेंशन टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। आगे जाके आप देखेंगे कि इनका लीनियर रिलेशन होता है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वाटर। वाटर एक थोड़ा सा स्पेशल सिचुएशन होता है। जनरली वाटर भी ऐसा ही बिहेव करता है, बट एट अ स्पेसिफिक एंड अ वेरी स्पेशल टेम्परेचर 4 डिग्री, इसका बिहेवियर थोड़ा सा उसके आसपास डिफरेंट हो जाता है। जैसे मान लेते हैं मैं एक वाटर लूँ, ठीक है, मैंने एक वाटर लिया, इस वाटर का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, मैंने वाटर को 10 डिग्री सेल्सियस पे रखा। अब मैं वाटर को हीट करना, सॉरी कूल करना चालू करा, मान लेते इसको मैंने रेफ्रिजरेटर में डाल दिया। इट इज ऑब्जर्व दैट जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वॉल्यूम कम होगा, विच इज अ नॉर्मल बिहेवियर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम घटेगा। यहां देखो टेम्परेचर घट रहा है तो वॉल्यूम भी घट रहा है, बट दिस ट्रेंड इज ओनली टिल 4 डिग्री। 4 डिग्री के बाद वॉटर का बहुत यूनिक स्ट्रक्चर होने के कारण उसके बाद में उसको और ठंडा करने पर आप देख रहे हो उसका वॉल्यूम और बढ़ रहा है। नाउ दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड। हमको क्या एक्सपेक्टेड था कि टेम्परेचर घटाऊंगा तो वॉल्यूम घटेगा, यहाँ टेम्परेचर घटा तो वॉल्यूम घटा, भाई साहब 4 डिग्री तक बढ़ेगा घटेगा। उसके बाद जैसे ही और ठंडा किया तो वॉल्यूम बढ़ने लगता है। नाउ दिस इज एग्जैक्टली वॉट यू माइट ऑल्सो हैव ऑब्जर्व वेन आप रेफ्रिजरेटर में बर्फ की ट्रे में आपने पानी डाल के रखा, और जब बर्फ निकालते हो तो बर्फ के ऊपर थोड़ा सा एक हम्प हो जाता है, दैट मीन्स द वाटर हैव एक्सपैंडेड। नाउ वी ऑल नो दैट डेंसिटी मतलब इन हिंदी वी कॉल इट घनत्व, और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मैं दो आइडेंटिकल बॉल लूँ जिसमें मास ज़्यादा भरा हुआ है, उसका डेंसिटी ज़्यादा, तो वो मेरे को हैवी लगेगा। एग्जाम्पल वुडन बॉल और आयरन बॉल, आयरन बॉल में मास ज़्यादा डेंसली भरा हुआ है तो मेरे को आयरन बॉल हैवी लगेगा। सो डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक वॉल्यूम में एक गिवन वॉल्यूम में कितना मास है। नाउ व्हेन आई टेकन अ पीस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, उसका मास तो चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर चेंज करने पे क्या चेंज हो रहा है, उसका वॉल्यूम। अब देखो जैसे जैसे वॉल्यूम कम हो रहा है अपना रेगुलर ट्रेंड, वैसे वैसे डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। सबसे कम वॉल्यूम कहाँ पे है, 4 डिग्री, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी भी कहाँ पे है, 4 डिग्री। बाद में अगेन वॉल्यूम इंक्रीजेस सो डेंसिटी डिक्रीजेस। व्हाट डज इट टेल अस, ये अपने को बताता है कि वाटर इज मोस्ट कंप्रेस्ड एट 4 डिग्री, दैट मीन्स उसका डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा 4 डिग्री पे। दैट मीन्स एट व्हाट टेम्परेचर वाटर इज हैवीएस्ट, एट 4 डिग्री, एंड एट दिस टेम्परेचर इसका 1 ml इज सेम एज 1 cm³, इसका 1 ml इज सेम एज 1 g ऑल्सो। ओके, यहां पे डेंसिटी जो है इज 1 g/cm³, जो कि हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं ना कि वाटर का डेंसिटी 1 है, ये स्टैंडर्ड बेसिकली 4 डिग्री का। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके ऊपर इसके 2 एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन नंबर 1 विल बी हूप्स लॉ, जो कि अपने पोर्शन में है। एप्लीकेशन नंबर 2 दैट एट एक्वाटिक लाइफ इज प्रिजर्व बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर। ओके, थैंक यू सो मच।